I said church tribulation में से भी गुजरेगा. In the previous lecture, I said that this word is not for the church. Please. मैंने कहा कि कलीसिया जो है वो मुसीबत में से भी गुजरेगी. पहले लेक्चर मैंने कहा था कि नहीं गुजरेगी. Let me elaborate it. इसकी मुझे वजाहत कर लेने दीजिए. There are three types of tribulations. लफ्ज मुसीबत के मैं वजाहत करता हूँ. So there are actually three types. इसकी तीन इकसाम है. So there is a tribulation for the world. एक मुसीबत दुनिया के लिए है. And there is a tribulation for the church. और एक मुसीबत कलीसिया के लिए है. And then there is a tribulation for the Jews. और फिर एक मुसीबत यहूदियों के लिए है. And when we study the timeline and we study the end time tribulation. और जब हम टाइम लाइन का मुतालिया करते हैं और आखिरी अयाम की मुसीबत का मुतालिया करते हैं. इट हैज नथिंग टू डू विद द चर्च. इसका कलीसिया से कोई लेना देना नहीं. आई कैन गिव यू स्क्रिप्चर्स टू प्रूव. मैं इसका हवाला भी आपको दे सकता हूं. सो यू मे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ट्रिब्यूलेशन. ताकि आपको लफ्ज मुसीबत की बेहतर समझ आ सके. बिकॉज मेनी ऑफ यू मे बी इन द फ्यूचर व्हेन यू विल गो थ्रू द स्क्रिप्चर्स यू मे माइट गेट कंफ्यूज्ड दैट पास्टर नेवी टोल्ड अस दैट Tribulation is not for the church. क्योंकि जब आप हवालों में से कलाम में से गुजरते हैं तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो कि पास्टर साहब ने बताया था कि मुसीबत चर्च के लिए नहीं है. And why are we facing this tribulation? और हम इस मुसीबत का सामना क्यों कर रहे हैं? So let's study the word. आइए कलाम में से हम पढ़ते हैं. You can open few scriptures to confirm this. इसकी तस्दीक के लिए आप कलाम पाक को खोल सकते हैं. Go into the Gospel of the John, chapter 16. यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब. And 33rd verse. और उसकी 33वीं आयत हम पढ़ेंगे. Quickly. मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही. Listen it. कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ. Mm-hmm. दुनिया में मुसीबत उठाते हो. So it's there is a tribulation of the Of the not church. ये सिर्फ कलीसिया की मुसीबत नहीं है. It's the tribulation related and concerned with the world. ये मुसीबत दुनिया से ताल्लुक रखती है. So when you live in this world, जब आप इस दुनिया में रहते हैं, whether you are non-believer or a believer, चाहे आप ईमानदार हैं या गैर ईमानदार, you go through. आप इससे गुजरते हैं. The general tribulation. ये एक जनरल मुसीबत है. When a bomb will blast in any city, किसी भी शहर में जब कोई बॉम्ब फटेगा, it won't locate just the Christians. तो ये सिर्फ मसीहों को नहीं ढूंढेगा. और it won't skip the Christians. और ये भी नहीं कि ये मसीहों को छोड़ देगा. It will hit everyone in the radius. और जो इसके दायरे में आ गया वो सबको हिट करेगा. So there is a tribulation. मुसीबत है. Attached with this world. इस दुनिया से वो जुड़ी मुसीबत है. सो यू व्हेन यू गो थ्रू दिस वर्ड रीड इट केयरफुली. सुलेमान कैन यू हेल्प मी इन द इंग्लिश वर्जन मे बी फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. दीस थिंग्स आई हैव स्पोकन अनटू यू दैट इन मी यू माइट हैव पीस. इन द वर्ल्ड यू शैल हैव ट्रिब्यूलेशन. इन द वर्ल्ड In the world, यानी इस दुनिया में, not being church, बतौर कलीसिया नहीं, the word selection by Jesus Christ is very very careful. यहाँ पर यीशु मसीह ने अल्फाज का चुनाव बहुत एहतियात से किया है. He says that in the world, वो क्या कह रहे हैं कि इस दुनिया में, so wherever you go, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, if you relocate yourself in another country. अगर आप किसी दूसरे मुल्क में खुद को देखते हैं, there is a specific type of tribulation. तो वहाँ खास किस्म की मुसीबत हो सकती है. Being in the world. यानी दुनिया में रहते हुए. Okay, proceed with this one. दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो. मैं दुनिया पर गालिब आया. Okay, now next scripture may be more helpful to you. Go into the book of Acts and chapter 14, verse 22. इमाल की किताब 14 बाब और उसकी 22 आयत. सो यू हैव नॉट सीन द वर्ड ग्रेट ट्रिब्यूलेशन.
आपने अभी लफ्ज बड़ी मुसीबत नहीं देखा इन द स्क्रिप्चर आई शेयर्ड विद यू जो अभी तक कलाम हमने पढ़ा है एंड इन दिस स्क्रिप्चर एज वेल यू वोंट फाइंड दिस वन और इस हवाले में भी ये लफ्ज नहीं मिलेगा आपको okay. और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो और कहते थे जरूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर व्हाट And in English, the word tribulation is there. और अंग्रेजी में लफ्ज यहाँ पर मुसीबत इस्तेमाल हुआ है, tribulation इस्तेमाल हुआ है. For whom? और ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? For the church. कलीसिया के लिए इस्तेमाल हुआ है. So there are actually the three types of tribulations. मुसीबतें तीन तरह की हैं. The tribulations we are going through. वो मसाइब जिनमें से हम गुजर रहे हैं और द चर्च हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू और यहाँ फिर कलीसिया गुजर चुकी है पहले की इज नॉट द एंड टाइम्स ट्रिबुलेशन ये आखिरी अयाम की मुसीबतें नहीं है व्हाट आई शेयर्ड इन द लास्ट लेक्चर पिछले लेक्चर में जो कुछ मैंने आपसे कहा आई शेयर्ड दैट दिस वर्ड इज नॉट दिस ट्रिबुलेशन इज नॉट फॉर द चर्च मैंने कहा कि ये मुसीबत जो है वो कलीसिया के लिए नहीं है सो यू नो व्हिच ट्रिबुलेशन द चर्च should not go through ab aapko jaan lena chahiye ki kis musibat mein se church guzrega aur kis mein se nahi are you here yes you got it or not yes clear or not yes. huh so anything related to the previous lecture please recap it there is another scripture ek aur hawala bhi hai from the book of romans रोमियो के खत में But I won't go in that one. It's enough, I think, so you got the understanding. उसको अभी नहीं पढ़ेंगे मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई. There are many references about tribulations, but these are not the great tribulations. और बहुत सारे हवाले हैं जो मुसीबतों के बारे में लेकिन वो बड़ी मुसीबत के बारे में नहीं है. It's not just the reference I am giving you. ये सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको हवाला दे रहा हूँ. There are some signs announced by Jesus Christ himself. कुछ नशानात भी हैं जो कि यीशु ने खुद उनका ऐलान किया एंड ही सेड दैट आफ्टर द ट्रिबुलेशन और उसने कहा कि मुसीबतों के बाद दीज साइंस शैल फॉलो ये नशानात वकूफ पजीर होंगे सो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रिबुलेशन चर्च इज गोइंग थ्रू वो उन मुसीबतों की बात नहीं कर रहे जिनमें से कलीसिया गुजरेगी इट मींस देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रिबुलेशन इसका मतलब है कि खास तरह की मुसीबतें भी हैं And that tribulation was described by Jesus Christ when the question was asked about his coming, the end time season. और ये मुसीबतें तब यीशु ने बयान की जब उनकी दूसरी आमद के बारे में सवाल किया गया उनसे. So any other reference, any other discussion from the previous lecture, any recap? पिछले लेक्चर से कोई और बात जो दोहराई जा सके? Yeah. How many of you were present? पिछले इतवार कितने लोग यहाँ मौजूद थे? हाँ. How many of you got the understanding? और कितनों को बात की समझ आई पिछले इतवार? Okay, answer me. Which rapture theory we believe in? बताइएगा कि हम कलीसिया के उठाए जाने के बारे में किस थ्योरी पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं? It was the pre-tribulation. और ये मुसीबत से पहले उठाया जाना कलीसिया का? We finished with this one. हमने इस बात पर खत्म किया था ओके नाउ जंप इनटू द नेक्स्ट वर्ल्ड नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द सेम और इसके आगे हम बढ़ते हैं इसी बात को आगे बढ़ाते हैं आर यू रेडी आप तैयार हैं माइट बी आई वॉन्ट स्पेंड मच टाइम ऑन दिस टॉपिक हो सकता है मैं इस मजमून पर ज़्यादा वक्त ना लूँ बिकॉज ऑफ यू अदर थिंग्स कुछ दूसरी बातों की वजह से आई हैव टू शेयर विद यू कुछ बातें और भी मैंने आपसे शेयर करनी है सो माय क्वेश्चंस विद यू एंड माय लॉजिकल डिस्कशंस विद यू मे बी विल टेक सम ऑफ द टाइम टुडे हो सकता है कुछ सवाल और कुछ ऐसी मंत्र की बातें हैं जो हैं वो आज कुछ वक्त ले जाए सो मे बी ओके आंसर मी व्हाई प्री ट्रिबुलेशन मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि मुसीबत से पहले कलीसिया का उठाया जाना क्यों वाई क्यों है ऐसा आई वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम यू मैं आपसे इसका जवाब सुनना चाहता हूँ प्लीज कोई भी इसका जवाब दे सकते हैं वाई कि क्यों कलीसिया मुसीबत से पहले उठाई जाएगी वाई शुड इट टेक प्लेस प्री कि उसे पहले ही क्यों होना चाहिए या आंसर मी You can re-study the notes.
अपने नोट्स को दोबारा देख सकते हैं. आई एम एक्चुअली फर्मिंग योर ग्राउंड. मैं आपके लिए जो है वो बुनियादों को रख रहा हूँ, मजबूत बुनियाद को रखना चाह रहा हूँ. आई डोंट वांट टू लिव द लाइफ विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग बिलीव. मैं नहीं चाहता कि ऐसी जिंदगी गुजारी जाए जिसमें मजबूत ईमान या बुनियाद ना हो. सो इफ यू डोंट हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्री ट्राइबुलेशन देन यू विल मिस इट. अगर मुसीबत से उठाए जाने से पहले के बारे में आपको अच्छा इल्म नहीं है तो फिर आपने मिस कर दिया. यू विल मिस द रैप्चर एक्चुअली. और आप रैप्चर को भी मिस कर देंगे. बिकॉज यू डोंट बिलीव. क्योंकि आप ईमान नहीं रखते. एंड बिलीव is developed through the listening of the word. और जो ईमान है वो कलाम के सुनने से ही पैदा होता है. That will produce a faith, certain type of faith that you will be captured, you will be caught up. और यही एक खास तरह का ईमान पैदा करेगा कलाम का सुनना कि आप उठाए जाएंगे. So that's why I'm asking you, why you should believe Pastor Naveed, or why should you believe this school of thought that we are going to be caught up pre. इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ या जो मकबा फिक्र हम पढ़ रहे हैं उस पर क्यों हम यकीन रखते हैं. आंसर मी. इसका जवाब दीजिएगा. आशर, पास्टर आशर, स्टार्ट फ्रॉम यू, देन वुमन ऑफ गॉड माय वाइफ, यू विल आंसर. आई विल आस्क लीडर्स, नेता, गेट रेडी. व्हाई यू शुड हैव फेथ दैट यू विल बी कॉट अप प्री. कि क्यों हमें ईमान रखना चाहिए कि हम मुसीबत से, मसाइब से पहले उठाए जाएंगे. इट्स नॉट द लॉन्ग स्टोरी. ये बहुत लंबी कहानी नहीं है जवाब. इट्स द स्टोरी ऑफ 7 डेज. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ये 7 दिन की कहानी है. ओके, रेडी. ताकि वो बड़ी मुसीबत का सामना ना कर सके, वो उन पे ना आए, उससे पहले टाइम से उठाया जा सके. या ओके, ओबियसली ही इज सेइंग दैट बिफोर द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन. द बाइबल सेज बिफोर द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन. ओके, एनी अदर आंसर? अनीता, वुमन ऑफ गॉड, प्लीज. व्हाई प्री यू शुड बिलीव. I think so. This is what you are sharing. I have not shared the statements you gave. I have not shared. जो बयान सामने आ रहे हैं. Asking you from the previous lecture. और वो नहीं शेयर अभी हुए. It's your understanding that is not wrong. I'm not saying you are wrong. Yes. But from the previous lecture, what did you learn? Why? Pri, let her answer. Let her answer first. Why Pri? From the previous lecture, I'm asking. What? What rest? You need to listen carefully. I don't want to miss you in the kingdom of heaven. I want you with me. Listen carefully. Carefully, I'm saying carefully. Learn what the Lord is saying. All of you, I'm telling you, none of you is exempted. आप सब एहतियात से सुने, कोई भी. I already told you, you can revise your notes to answer me. Revise them. Next Sunday when you will come, you will revise them before appearing in front of me. Please, please, please. Okay? Anita, it's your turn now. What? Huh? It's not the complete answer. Aram mein dakhil ho uske saath aur hum jismani dukhna
If it is just the rest, he concerns about us. If it is just the rest, we can die and go into the rest. Everybody is resting after dying. If it is just the rest, both of you are sharing the same thing. The rest he has preserved for us. But my question is, why before tribulation? I spent 2 hours to teach you, and you have nothing in your mind to tell me. This is the presentation of yours. No, the opportunity goes with the church. Please. One by one. Okay. Yeah, this is what I want. Give me the logic, give me the scripture. I am teaching you the scripture. I'm not sharing with you the novels, the digests. I'm teaching you scriptures. You should have a foundation of the word attached with any discussion, any statement you give, you should have a proper. I told you that church will never suffer the tribulation. And I gave you the scripture. Today I make it clear to you that there is a certain type of tribulation. And next Sunday I will ask you, how many tribulations are there? And then you will say that there is a great tribulation. I will be shocked and surprised. No. I need your presentation, well presented. Everybody, sit here under my tutelage. You are my disciples. All of you, you are my disciples, and I want you to be disciplined. Well disciplined. Brother Isaac. Basically, rapture jo hai wo church ke sath connected hai. Aur jo tribulation hai, jaise aap bola tha ki teen tarah ki tribulation hai, pre-tribulation. Ye sari ki sari duniya ke sath judi hui hai. Na ki ye worldly hai. Can you repeat the reference? पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिरफड़ और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है उस पर आगे गजब से छुपा लो. Yeah. तो ये एक उस मुसीबत के बारे में. Yeah. So those who have the revelation of Lamb are exempted from the great tribulation. जिनके पास बरे का मुकाशफा है वो इस बड़ी मुसीबत से खारिज हैं, वो इसका सामना नहीं करेंगे. There is a certain group. एक खास ग्रुप है. Those who will have the revelation of the Lamb. जिनके पास बरे का मुकाशफा तो होगा आफ्टर द रैप्चर ऑफ द चर्च, लेकिन क्रिसिया के उठाए जाने के बाद, देन दे विल बिलीव दैट दीज क्रिश्चियंस वर ट्रू एंड दे वर राइट. फिर वो यकीन करेंगे कि ये मसीही जो थे ये ठीक थे, अबाउट द लैम्ब यानी बरे के बारे में जो बात करते थे. देन दे विल क्राई, फिर वो चिल्लाएंगे. व्हेन द रैथ ऑफ द लैम्ब विल बी पोर्ड आउट ऑन द अर्थ, यानी जब बरे का गजब उन पर नाजिल होगा, जमीन पर नाजिल होगा. सो स्टिल दे विल बिलीव दैट द क्रिश्चियंस वर राइट, वो यकीन रखेंगे कि मसीही ठीक थे. Listening the teachings, और तालीमात को सुनेंगे. Recalling them, और उनको याद करेंगे तालीमात को. And confessing that now this is the wrath of the same lamb we ignored him. और इतराफ करेंगे कि ये वही गजब है बरे का जो हमने इग्नोर किया था. No, we are facing the wrath of the lamb we ignored him. और ये वो यानी गजब है जो बरे का हम पर नाजल हुआ, इसका सामना हम कर रहे हैं जिसको हमने इग्नोर किया था. Yeah, the lamb was ignored actually. यानी बरे को इग्नोर किया गया. एनी अदर प्लीज. इसके अलावा कोई और बात? या दिस इज व्हाट आई टोल्ड दैट द रैथ, या रैथ इज नॉट फॉर हिज पीपल, गजब खुदा के लोगों के लिए नहीं है. या प्लीज, This is what the depth of the sermon was. ये उस sermon की गहराई की बातें. He is picking a sentence from the depth. और जो जुमला भी बोला गया ये उस गहराई में से बोला गया. I gave you the logic actually. मैंने आपको मंतक की बात बताई थी. So if
we believe that we will not be caught up and we will not be participating in rapture. अगर हम ईमान रखें कि हम रैप्चर में नहीं हिस्सा लेंगे, उठाए नहीं जाएंगे, and the power of God will spare us from the tribulation of the world. और खुदा की कुदरत जो है वो दुनिया की मुसीबतों से हमें दूर रखेगी. Actually, I shared that there is a end time great tribulation. मैंने बताया था कि आखिरी वक्त की मुसीबतें हैं. That is called the wrath of the Lamb. जिसको बरे का गजब कहते हैं. एंड इफ वी आर नॉट कॉट अप एंड रिमूव फ्रॉम द अर्थ, और अगर हम नहीं उठाए जाते जमीन से ऊपर, वी विल बी लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द एंटी क्राइस्ट. इफ वी स्पेयर, वी आर स्पेयर्ड फ्रॉम द रैथ ऑफ द लैम्ब. यानी हम बरे के गजब से बच भी जाएं तो उस वक्त जमीन पर फिर हमें मुखालफे मसीह के गजब का सामना होगा. सो यू कांट से दैट गॉड विल प्रोवाइड अ स्पेशल टाइप ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम द रैथ ऑफ द लैम्ब, येट देयर इज अनदर पर्सन हु विल टॉर्चर. यानी बरे के गजब के अलावा भी एक मुसीबत जो है यानी मुखालफे मसीह की, वो आपको टॉर्चर कर रही होगी. सो दैट्स द रीजन, ये वजह है. इट्स नॉट द एग्जेम्पशन from the wrath of the lamb but exemption from the antichrist as well. yani bare ke gazab se exemption nahi hai, chhoot nahi hai, balki mukhalif masih ke gazab se chhoot hai ecclesia ko. and you are actually forcing me to revise all the things and spending some time on the same lecture. aur aap kuch mujhe is tarah majboor kar rahe hain ki wo baatein hi main dohrau pichle lecture ki. any other thing, koi aur cheez pichle lecture se? ha Yeah, the feast concern. I shared with you the trumpets and the feast concerns. मैंने आपसे ये भी बांटा था trumpets के बारे में, नरसिंगे के बजाए जाने के बारे में, और ज़ियाफ़तों के बारे में. Yeah. Okay. Any other thing? That's the main scripture. I want scriptures. I like them. I'm telling you. मैं चाहता हूँ कि हवाला जात जो है वो शेयर किए जाएं, और मैं इसे पसंद करता हूँ. इफ यू आंसर मी, कम अप विद द स्क्रिप्चर. अगर कोई आप जवाब देते हैं तो जरूर उसका हवाला भी साथ लेकर आए. बिकॉज वी आर लर्निंग स्क्रिप्चर्स. क्योंकि हम हवाला जात से सीख रहे हैं. आई एम नॉट कोई अंजिदा पासर नहीं तुम लभ्या जरा तू उठ के कहानियां सुनाए. आई एम नॉट अ कहानी पर्सन. I'm a preacher of the word, teacher of the word. मैं कलाम का मुनाद हूँ, सिर्फ कहानी सुनाने वाला नहीं. No, I don't share stories. सिर्फ नहीं, बल्कि सुनाऊंगा ही नहीं. हाँ भाई, यहाँ पर शेयर विद यू द कहानियाँ. No people of God. So, please repeat it, Sister Rita. क्या था? The church, the church and the spirit of the Lord, the Holy Spirit, actually hindering the Antichrist. So if they are here, Antichrist will never appear. कलीसिया और रूल कुद्स जो है मुखालफे मसीह को रोके हुए हैं. अगर ये यहाँ पे नहीं है तो फिर मुखालफे मसीह होगा. Yeah, to him to be manifested. यानी उसका वकूफ पजीर होना. Is connected, directly connected. With the rapture of the church. ये बराए रास्त क्लीसिया के उठाए जाने से जुड़ा हुआ है. So if you are not raptured, अगर आप उठाए नहीं जाते, then he will not appear. तो फिर वो रूनुमा नहीं होगा, जाहिर नहीं होगा. And he will not appear. और अगर वो जाहिर नहीं होता, there is no second coming of Jesus Christ. तो फिर यीशु की दूसरी आमद भी नहीं है. To save the earth from his wrath. उसके गजब से दुनिया को बचाने के लिए. Okay, now let's jump into the next version. हम आगे बढ़ते हैं. यू कैन ग्रीट एट लीस्ट वन और टू पर्संस अराउंड यू. वेलकम देम. प्लीज स्टैंड अप ऑन योर फीट. आई एम सीइंग यू आर स्लीपिंग. सम ऑफ यू आर स्लीपिंग. यू हैव टेकन रेस्ट. प्लीज स्टैंड अप ऑन योर फीट एंड ग्रीट द न्यू फेसेस. एक्चुअली एक दूसरे को मिलिए, नए लोगों को भी मिलिए. सम ऑफ द पीपल दे कैरी द फेसेस, दे आर नॉट द फेसेस. कुछ लोगों के चेहरे इस तरह है कि वो चेहरे लग नहीं रहे. रिमूव देयर मास्क्स. अपने मास्क को हटा दीजिए. एंड ग्रीट द ओरिजिनल पर्सन विद इन दैट पर्सन. और उसे अपने ओरिजिनल चेहरे के साथ उसको ग्रीट करें. टेल दैट पर्सन आई नो यू.
और उस शख्स को भी कहेंगे मैं आपको जानता हूँ। There is a person within you behind this mask. इस मास्क के पीछे आपके अंदर जो शख्स है। Please greet once again. Greet. एक दफा फिर सलाम दुआ लीजिए। And this time new people, not the same one. और अब किसी और शख्स को नए को। Say shalom, 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 shalom. I don't want to stand on. Please move from your place. आप इधर मूव भी कर सकते हैं। Find any other person. At least one bless. This is a blessing. This is a prayer. Word shalom is not the, just the word shalom. This is the prayer you are giving. ये दुआ है इस लव्स के अंदर, सलाम के अंदर, शालोम के अंदर. Shalom, 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 shalom. Yeah, you can collect your luggage as well. अपना सामान भी उठा लीजिए. Yeah, I heard the name Suleiman. The luggage name is Suleiman. Please grab him in your lap. Have your seats. Thank you. I said that I need logics. मैंने कहा कि मुझे मंतक की जरूरत है, मंतक के साथ बात की जरूरत है. Why pre-tribulation? क्यों मसाइब से पहले? Please control her. Control her. I already shared with you that the mics are so sensitive. Let's go into the scripture, Matthew 24. Matthew ki Injil 24va 44th verse. 44vi ayat uski padhenge hum. Repeatedly I will take you back into the same scriptures. Aur ek hi tarah ke hawalajat mein hum wapas jaate rahenge. But with different understandings. Lekin nayi samajh boojh ke sath. Please. Isliye tum bhi taiyar ho. Okay, please pause. Jesus is saying, "Get ready." यीशु कह रहे हैं कि तैयार रहो. And he in this scripture said that the day and the hour is not known. और इसी कलाम के हिस्से में वो कह रहे हैं कि उस वक्त या घड़ी को नहीं जानते. So you need to get ready. फिर आपको तैयार होने की जरूरत है. No, logically. यानी मंतक की बात है ये. If we can calculate the second coming, अगर हम दूसरी आमद के बारे में दादोशुमार गिन लें, and I have already taught you that we can calculate, और मैंने आपको पहले ही बताया कि हम दादोशुमार गिन सकते हैं, from the manifestation of the Antichrist. और वो है मुखालफ मसीह के नमोदार होने से. From the prophecy of the Daniel. दानियल नबी की नबूवत से. About the 70th week. 70वें हफ्ते के बारे में. We can calculate second coming. आप दूसरी आमद के बारे में जान सकते हैं. So if we can calculate second coming of Jesus Christ. अगर हम दूसरी आमद यीशु की जो है उसको calculate कर सकते हैं. And for instance, for example, consider that there is no rapture theory. और हम मिसाल ले लेते हैं कि कलीसिया के उठाए जाने की थ्योरी मौजूद नहीं है. एंड इट्स जस्ट द सेकंड कमिंग. और सिर्फ यीशु की दूसरी आमद ही है. एंड वी कैन कैलकुलेट एज वेल. और हम इसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. देन आंसर मी व्हाई शुड आई गेट रेडी नाउ. तो फिर जवाब दीजिए कि मुझे अब क्यों तैयार होना चाहिए. व्हेन द डिसिपल्स आस्क्ड जीसस क्राइस्ट अबाउट द साइंस ऑफ द End times. जब शागिर्दों ने यीशु से निशानात पूछे आखिरी आयाम के बारे में. Actually, Jesus is not telling them about the that they will die or they maybe they will not be here. Actually, Jesus is giving the signs of end times. यीशु शागिर्दों से ये नहीं कुछ कह रहे कि तुम उस वक्त मर चुके होगे, लेकिन वो आखिरी आयाम के निशानात ही उन्हें बता रहे हैं. I'm telling you, I'm sharing with you what I think. जो कुछ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मैं अपनी सोच आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. And I meditate on the word. और मैंने कलाम पर बगौर गौर किया है. If there is no rapture, अगर कलीसिया का उठाया जाना नहीं है. And only the second coming is there. और सिर्फ दूसरी आमद ही है बस. Why would Jesus tell them to get ready? तो फिर यीशु उन्हें क्यों कह रहे हैं कि तैयार रहो? Because they can calculate the second coming year. क्योंकि वो दूसरी आमद के सालों को गिन सकते हैं. And they will prepare themselves in the last year.
और वो तो आखिरी साल में खुद को तैयार कर लेंगे. Why should they get ready always? उन्हें हमेशा क्यों तैयार रहना चाहिए? When the second coming is the only option to exit from this world. कि जब दुनिया से जाने की एक ही ऑप्शन है यानी यीशु की दूसरी आमद. Have you ever thought about it? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? That's the reason Jesus is saying that you have nothing with the second coming. इसीलिए यीशु यहाँ पे वजह बता रहे हैं कि दूसरी आमद से आपका लेना देना नहीं है. Obviously you will come with him. यकीनन आप उसके साथ आएंगे. But the rest of the story on this earth is not related to you. लेकिन इस जमीन पर बाकी कहानी जो वो आपसे ताल्लुक नहीं, क्योंकि आप तो उठाए जाएंगे. Did you get what I'm trying to say? जो कुछ मैं कह रहा हूँ क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? Did you get everyone? Is it okay with you? क्या ये बात ठीक है? If it is only the second coming. अगर सिर्फ दूसरी आमद की ही बात है, then don't come to me and tell me get ready. तो फिर मुझे ना कहिए आकर के तैयार हो जाएं. Because I will calculate them. क्योंकि मैं तो दूसरी आमद का अंदाजा लगा चुका हूँ. And then I will repent and get ready in the last year. और आखिरी साल में मैं तौबा कर लूँगा, तैयार हो जाऊँ. For what purpose I should be getting ready? तो किस मकसद के लिए मुझे तैयार होने के लिए? Rather I should enjoy the world and the flesh. तो मुझे तो जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए और सारी चीजें भी दुनिया की. That's the reason Jesus is telling them that you should get ready. रैप्चर की वजह से यीशु ने कह रहे हैं कि तैयार रहो. Don't wait for the second coming. दूसरी आमद का इंतजार ना करो. Because when you will be caught up, क्योंकि जब आप उठाए जाएंगे. प्लीज कैरी ऑन. जिसे मालिक ने अपने नौकर चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे. मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करते पाए. ओके प्लीज पॉज. वर्किंग काम करते हुए. नॉट रेस्टिंग आराम करते हुए नहीं. नॉट रिलैक्सिंग ना ही कोई रिलैक्स करते हुए. इट्स द वर्किंग ऑन यू यानी अपने आप पर काम करते हुए. व्हेन यू रीड दिस स्क्रिप्चर यू थिंक दैट दे आर वर्किंग फॉर देयर ऑनर. जब इस हवाले को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वो अपनी इज्जत की खातिर काम कर रहे हैं. दे ऑनर द मास्टर अपने मालिक की इज्जत की खातिर. बट एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग फॉर देयर मास्टर. दरअसल वो अपने आका के लिए मास्टर के लिए काम नहीं कर रहे. दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन सेल्व्स देयर वेजेस. वो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी मजदूरी के लिए काम कर रहे हैं. एंड व्हेन द मास्टर विल रिटर्न he will punish them if they will not work. और जब उनका आका आ जाएगा और अगर वो काम नहीं कर रहे होंगे तो उन्हें सजा देगा. So they are working for themselves. इसलिए समझे कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं. Are you listening? बात समझ रहे हैं? Maybe I will shock you. Maybe I will. Some of you think that Jesus Christ died for you. आप में से कुछ सोचते हैं कि यीशु आपके लिए मरे हैं. No. नहीं. I don't want to confuse you people. मैं नहीं चाहता कि आप इस बात से कंफ्यूज हो. You think that he died for you. आप सोचते हैं कि वो आपके लिए मुए? How many of you? कितने सोचते हैं? Because you have read one scripture that Paul says he died for our sins, he died for us. क्योंकि हमने एक हवाला पढ़ा है कि वो हमारे गुनाहों की खातिर मुआ. You know, it was the least approach. ये सबसे कम तरीन एक अप्रोच है इसको समझने की. नो अप्रोच बाय जीसस क्राइस्ट यीशु टू डाई. ओके यानी यीशु के मरने की ये सबसे निचली एक सतह एक वजह है. हाय 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 आई नो यू आर शॉक्ड. इस बात से जरूर आप हैरान हैं. जीसस क्राइस्ट वाज एक्चुअली डाइंग फॉर हिमसेल्फ. यीशु अपने लिए मर रहे थे. नो दिस विल टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट. इसको समझने और हजम करने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा. डोंट यू रीड दैट स्क्रिप्चर इन द एपिसल टू द फिलिपियंस वेयर इट इज रिटन ही डाइड ही वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द ग्लोरी बियॉन्ड क्रॉस. फिलिपियों खत में आप पढ़ते हैं कि वो मरने के बाद के जलाल को देख रहे थे. He was after some sort of glory.
वो किसी जलाल के पीछे थे उसकी तलाश में. You just only think about you, that the cross was the final stage and our redemption was the final stage. और आप समझते हैं कि सिर्फ हमारी निजात ही एक आखिरी बात थी उसके मरने की. And he said that it is finished and it is no, his vision was beyond the cross. उसका विजन, उसकी जो नजर है वो स्लीप से आगे थी. He was lacking in the glory. वो जलाल में कुछ पीछे देख रहा था. No, he was lacking, he was short in his glory. वो अपने जलाल में उसे कमी का सामना था. He was falling short, I'm telling you. उसे कमी का सामना था. You can't come up and complain about this one, but I'm telling you. जो कुछ मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप इसकी शिकायत नहीं कर सकते. If you start fighting with me that yes, Jesus Christ was glorious, he was full of glory. अगर आप मेरे से लड़ना शुरू कर देते कि वो तो जलाल से पुर जलाल था पहले, then what type of glory he is looking for beyond the cross? तो फिर वो स्लीप से आगे किस तरह के जलाल देख रहे हैं? No, you answer me. आप जवाब दे सकते हैं? So you, Jesus Christ, he didn't die just for you people. यीशु सिर्फ आप लोगों के लिए ही नहीं मुआ. He died for himself as well. वो अपने लिए भी मुआ है. Can I give you another scripture? एक और हवाला मैं आपको दे सकता हूँ. Actually, he did not die just for the glory. वो सिर्फ जलाल के लिए ही नहीं मरा. Okay, go into the book of Revelation. मुकेश्वर की किताब में. You sing that song. आप ये गीत भी गाते हैं. इज्जत के लायक, find that. बड़ा ही इज्जत के लायक है, दौलत के लायक है, प्रस्तुति के लायक है. Find that. सुलेमान, go into that. Announce that scripture ताकि सारे पहुंच जाएं उधर. पंचवां बाब. बाहर में आए तो. Don't be shocked. I'm teaching you the scripture. Jesus did not die for you only. यीशु सिर्फ आपके लिए ही नहीं मुआ. He was on this earth for himself as well. वो अपने लिए भी इस ज़मीन पर आया. Read it. ज़बह किया हुआ बर्रा ही, कुदरत और दौलत. No. Listen. Okay. और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक. Who? ज़बह किया हुआ. Who? How many things he deserves now? अब वो कितनी चीजें deserve कर रहा है, उसका मुस्तहिक बन चुका. Who? कौन? Count them. अब इन्हें गिन सकते हैं. सुलेमान, in English, please. Worthy is the lamb that was. Worthy. What does mean worthy to you? Doctor, you tell me. Worthy. What does mean worthy? Deserving. You earn this stage. आप इस स्टेज तक पहुंचने के लिए अर्न करते हैं, काम करते हैं. You prove yourself. आप अपने आप को साबित करते हैं. That now you can get these things. कि अब आप इन चीजों को हासिल कर सकते हैं. So it means, what does it means? तो इसका क्या मतलब निकलता है? Worthy is the which lamb? किस बरे की बात? There was not before he was slain. सबा होने से पहले नहीं. He was not worthy. वो वर्दी नहीं था, लायक नहीं था. Worthy of getting these things. यानी ये चीजें हम जो पढ़ रहे हैं इनके लायक. Mr. Numan. Yes. What did he get after being slain? After getting approval. Approval के बाद, यानी ज़बह होने के बाद क्या क्या उन्हें मिला? To receive power. To what? Receive. Yes. So he yet he needs to receive something he was not having. यानी उसे कुछ वसूल करना था, लेना था, जो अभी उसके पास नहीं था. When he was alive. यानी जब वो जिंदा था तो नहीं था. As lamb of God. बतौर खुदा के बर्रा के. He was lacking some things. उसके कमी थी किसी चीज की. And he wanted those things. और वो चीजें चाहता था कुछ. And when Pastor Naveed is preaching the prosperity gospel, people are fighting.
और जब पास्टर नवीद जो है प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल की मुनादी करने तो लोग लड़ते हैं. Yet Jesus Christ himself was after the prosperity. तो देखिए यीशु तो खुद जो है वो खुशहाली और प्रोस्पेरिटी के पीछे. Read this completely, then you will find. इसको आप पूरा पढ़िएगा. And riches. हाँ? Riches. So he wanted back those riches. वो चाहता था कि वो दौलत वो सारी चीजें उसके पास वापस आए. If I preach prosperity, अगर मैं खुशहाली prosperity की मुनादी करता हूँ, and if I follow riches, I chase the riches, और मैं भी अच्छी चीजों की पैरवी करता हूँ, उन्हें चाहता हूँ, I'm not committing any sin, तो मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा. Jesus himself on this earth. इस जमीन पर यीशु खुद भी. The agenda was not only you people. और उनका एजेंडा सिर्फ कलीसिया ही नहीं थे, ये लोग ही नहीं थे. His sight was on the riches. उनकी जो आंखें उनकी नजर थी वो दौलत पर भी थी. On the what? And wisdom. So some type of wisdom as well he was not having. Yes, कुछ तरह की हिकमत भी उन्हें चाहिए थी जो अभी नहीं थी उनके पास. No, you reject me. आप मेरी बात को रिजेक्ट कर. You reject me and come up with the scripture. और हवाला लेकर आ सकते हैं. You say that Pastor Navid, you are teaching wrong. आप कह सकते हैं कि आप गलत बुनियादी कर रहे हैं. Then I will quit ministry. I'm telling you. मैं ministry को छोड़ दूँगा. So if I am teaching you, अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ, I know the word. मैं कलाम को जानता हूँ. I know the scriptures. मैं हवालों को जानता हूँ. I know. मैं जानता हूँ और मैं जानता हूँ. Some things I cannot share with you people because this is on the record now. That Jesus didn't die for you only. कुछ चीजें हैं जिनकी मैं अभी मुनादी भी नहीं कर सकता क्योंकि एक रिकॉर्ड है ये. And the little ones will be jumping now. और कुछ छोटे जिनको समझ नहीं आएगी बात की वो उछलना कूदना शुरू कर देंगे. That this man is heretic. कि ये शख्स तो हेरेटिक है, गलत मुनादी करता है. He is a foolish person in the kingdom. ये बादशाहत में कोई बेवकूफ शख्स है. But I know who am I. लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ. Can you see the glory? Yes. क्या आप जलाल देख सकते हैं? You cannot see on other people. I'm telling you. आप दूसरे लोगों पर वो नहीं देख सकते. It's the dimension of the apostle Paul. ये पौलुस रसूल की एक dimension उनका ये बात. He was always saying that I'm not lesser than anybody. Not lesser. उन्होंने कहा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ. From the elders of the Jerusalem. यरूशलेम के elders से कम नहीं. The apostles in the Jerusalem. और जो यरूशलेम में रसूल हैं उनसे कम नहीं. Today I will boldly say. तो आज मैं बड़ी नडर होके ये बात कर रहा हूँ. I am the son of the voice, Emmanuel Makandiva. कि मैं Emmanuel Makandiva की आवाज़ हूँ. My father in Christ. जो कि मसीह यीशु में मेरे रूहानी बाप हैं. And his DNA is working in me. और उनका DNA मुझ में काम कर रहा है. Okay, please finish this verse. Finish. And strength and honor. You count them from the first one. First one. Power. You know, in the Philippians, Paul says. फिलिपियों में पौलुस रसूल कहते हैं. That something was deposited in his name. कि उसके नाम में कोई चीज जमा है, मौजूद है. After he was slain, यानी जब वो उसकी उसको सलीब दे दिया गया. Do you know the scripture? क्या आप हवाले को जानते हैं? और उसको वो नाम बख्शा गया. Not before, पहले नहीं. The slaying, यानी ज़बह होने से पहले नहीं. So when he was on the cross, जब वो सलीब पर थे. In his mind, only you people were not flashing. उनके ज़हन में सिर्फ आप लोग ही नहीं थे. He was dying for himself. वो अपने लिए भी मर रहे थे. His agendas. उनके एजेंडा थे आगे. He wanted his name. वो चाहता था कि उसका नाम हो. Established. कायम हो. In the spiritual realm. रूहानी आलम में. He wanted his riches. वो चाहता था कि उसको दौलत शानो शौकत वापस हो. He wanted his power, his strength, his wisdom back. वो चाहता था कि उसकी हिकमत उसकी ताकत उसे वापस मिले. And you people just, it is finished. Every Good Friday you are pronouncing it is finished. It is not finished. हम यही कहते हैं कि तमाम हुआ. अभी तमाम नहीं हुआ. For Jesus Christ it was not finished. यीशु के लिए तमाम नहीं हुआ. He is still working. अभी भी वो काम कर रहा है. He is interceding on your behalf. वो हमारी खातर जो है वो शिफायत कर रहा है. And he is trying to teach you his word.
और वो अपना कलाम आपको सिखाना चाहते हैं. आर यू हियर? आर यू हियर? पीपल ऑफ गॉड, शॉक द वर्ल्ड, अमेज देम विद द वर्ड. खुदा के लोगों, दुनिया को कलाम की कुदरत से हिलाइए. दिस वॉज नॉट माई टॉपिक, बट आई एम स्ट्रेच्ड इन टू दिस डायमेंशन. ये मेरा मजमून नहीं था, लेकिन मैं इस मत में भर गया हूँ. लेट्स टॉक अबाउट द प्री ट्रिब्यूलेशन व्हाई. फिर वापस आते हैं कि मसाइब से उठाए जाना पहले क्यों है. व्हाई? क्यों? सो आई गेव यू, कैन यू गो इन टू द मैथ्यू वंस अगेन. मत्ती की इंजील में दोबारा हम जाएंगे. 24th वर्स एंड 27th, 24th चैप्टर एंड 27th वर्स. 24वां बाब और 27वीं आयत हम पढ़ेंगे. आई शेयर्ड विद यू इन द लास्ट लेक्चर दैट गॉड इज कंसिस्टेंट विद हिज कैरेक्टर ऑफ सेविंग. मैंने आपको बताया था कि सर्विंग. ओह यस, खुदा बचाने महफूज रखने के बारे में अपने किरदार में मुस्तकिल है. कंसिस्टेंट, मुस्तकिल मिजाज. यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द नोआज डेज. नूह के दिनों से भी आप देख सकते हैं. यू कैन सी इन द लॉट. आप लूत के दिनों को भी देख सकते हैं. एंड यू कैन लेटर ऑन चेक इन एवरी एरिया. आगे बढ़ते हुए आप हर जगह देख सकते हैं. गॉड इज कंसिस्टेंट इन प्रिजर्विंग हिज पीपल. कि खुदा अपने लोगों को महफूज रखने में मुस्तकिल मिजाज है. इट्स हिज करैक्टर, क्योंकि ये उसका किरदार है. ओके प्लीज. पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा. Okay, please continue. जहां मुर्दार है, वहां गिद्ध जमा होगा. Do you remember this scripture? Yes. What did I share? Elijah is right. The location of gathering. जमा होने की जगह. जहां मुर्दार हैं. तो इंग्लिश से लिखा है. Where there are eagles. Gathering, over gathering. Okay, let's go into Revelation 1, 4, 4th chapter 1 verse. Mukashfa, 4th bab, uski pehli ayat padhenge. I'm trying to stay and focus, and because I want, there are many things in my mind going on, but I want to stay on the same topic. मैं इसी टॉपिक पर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जेल में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं. एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर समथिंग फ्रॉम दिस स्क्रिप्चर, आई स्किप्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. मैं इस हवाले से कुछ चीज़ मैथ्यू 24 27 आई विल शेयर इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. नाउ रेवलेशन 4 1. इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर ने सिंगे किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था. Listen. Read it in English, Suleiman. Chapter 4, verse 1. After this, I looked and behold, a door was opened in heaven. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet. Listen, pause. Pause, take a pause. We learnt about the sound, the trumpet. हमने आवाज यानी नरसिंगे के बारे में सीखा. And the 100th trumpet. और 100वें नरसिंगे के बारे में भी. How many of you remember? ये याद है बात आपको? How many of you think that this sound will be like the pi 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 या pa 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 pa? कितने सोचते होंगे कि ये जो आवाज है नरसिंगे की इस तरह की होगी, पी पी की तरह? How many of you? कितने सोचते हैं? That this sound will be the sound of the trumpet. कि ये आवाज नरसिंगे की आवाज होगी? Obviously, all of you think about this one. I know, but you don't speak. You think that this sound will be like pa, and you will be. It's not 14 अगस्त जश्न आजादी. It's the rapture taking place. I want to take a further look into this scripture. Please repeat it. After this, I looked and behold, a door was opened. Okay, the heaven was open. Okay. In heaven. Mm-hmm. And the first voice which I heard. No, listen. The voice he heard. Which one? I heard was as it were of a trumpet. As it. A trumpet. Were a. Trumpet. A trumpet talking with me. Trumpet talking.
It's not the pa you will hear. It's a talk. ये सिर्फ आवाज नहीं बल्कि ये बात है, गुफ्तगू है. The last trumpet. आखिरी नरसिंगा. When you will be caught up. जब आप उठाए जाएंगे. Is not the noise that is not understandable. ये ऐसी आवाज नहीं है जो कि समझ ना आए. You will listen the word, proper word. Yes, आप अल्फाज सुनेंगे, बात सुनेंगे. By the Lord Jesus. यीशु के अल्फाज. He will say. वो कहेगा. What? क्या कहेगा? What will he will say? Which said? Come up. ऊपर आओ. Come up. This is what you will listen from the mouth of the Lord. यीशु के मुंह से आप ये अल्फाज सुनोगे, कम आप ऊपर आओ. Because when he speaks, there is a thunder in his voice. क्योंकि जब वो बोलता है तो उसकी आवाज में एक थंडर है. There is lightning in his voice. उसकी आवाज में बिजलियां हैं. That's why he said that like as it was. इसीलिए वो ये तशबीह दे रहा है, लाइक या की तरह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है. इट वाज ही इज नॉट सेइंग दैट आई हर्ड अ प्रॉपर ट्रम्पेट. वो ये नहीं कह रहा कि मैंने सिर्फ नरसिंगे को ही सुना. ही इज सेइंग दैट इट वाज लाइक. वो कह रहा है कि नरसिंगे की तरह. द वॉइस ऑफ अ ट्रम्पेट. यानी नरसिंगे की आवाज की तरह. बट द ट्रम्पेट वाज एक्चुअली स्पीकिंग टू मी. लेकिन वो नरसिंगा बात कर रहा था. एंड ही वाज सेइंग कम अप. और वो कह रहा था ऊपर आओ. And the day you will be raptured, you will listen these words. और जिस दिन आप उठाए जाओगे, आप ये अल्फाज सुनोगे. Maybe it will be the first day of your life, then you will be listening the clear voice of the Lord Jesus Christ. हो सकता है ये आपकी जिंदगी का पहला दिन हो जब आप यीशु की वाज़े आवाज को सुने. And suddenly you will be transformed. और अचानक आप बदल जाएं. Immediately. फौरन. Paul says this word twinkling of an eye. Paulus इसके बारे में कहता है कि आपकी आंख की झपकी की तरह. But John says immediately. लेकिन यूहन्ना यहां पर कह रहे हैं फौरन. Can you finish it? Come up hither and I will show thee things which must be hereafter. Hereafter. And please proceed it. And immediately. What he said? So there is a similarity between the revelation given to Paul and given to John. एक ही तरह की बात है, यानी जो मुकाशवा यहाँ पर यूहन्ना को मिला और जो पौलुस रसूल को मिला. Paul said that in the twinkling of an eye you will not have an opportunity to tell your sister that sister get repented now. पौलुस भी ये कह रहे हैं कि आंख की झपकी की तरह कलीसिया को उठाया जाना होगा. ये वक्त नहीं होगा कि आप किसी को बता सकें कि आ जाओ, तैयार हो जाओ. Repent now, the sound is coming. तौबा कर लो क्योंकि अब आवाज आ रही है. द मोमेंट यू विल लिसन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कम अप. जैसे आप यीशु के कलाम को सुनेंगे कि ऊपर आ. जॉन सेज इमीडिएटली आई वाज अप देयर. तो यूहन्ना कह रहे हैं कि एकदम मैं ऊपर था. ही इन लव वांटेड टू टेल पीपल दैट प्लीज रिपेंट. वो अब ये बताना नहीं चाहता इधर उधर लोगों को कि तौबा कर लो. ही वांटेड. वो चाहता है कि तौबा कर लो. इन लव. वो मोहब्बत रखता है लोगों से. सेव हिज फैमिली मेंबर्स. वो चाहता है उसके खानदान के लोग बच जाएं. बट बिकॉज़ ऑफ द पावर इन दैट वर्ड कम अप. लेकिन कलाम के अंदर कुदरत इतनी है ऊपर आ जाने के लफ्जों में. यू कैन नॉट रेजिस्ट द वर्ड कम अप. यू विल बी कॉट अप. आप इस कलाम की मुजामत नहीं कर सकते, इसके आगे रुक नहीं सकते. और वक्त. इमीडिएटली ही सेड आई वाज अप देयर. और उसने कहा कि एकदम मैं यकायक ऊपर था. आर यू लिसनिंग? नाउ व्हाट टू सी प्लीज. क्या देखते हैं? And immediately I was in the spirit, and behold, where he saw the door opened in. Actually, John is the representation of the church now in this passage. यूहन्ना जो है वो इस हवाले में कलीसिया का नुमाइंदा है. Are you listening? So whatever is written after this verse. इस आयत के बाद अब जो कुछ भी लिखा है. He is seeing from up there. अब वो ऊपर उसको देख रहा है. No. He is seeing from up there. Yeah. Okay. Yes. वो अब ऊपर से देख रहा है. No, he is caught up. क्योंकि अब ऊपर उठाया गया. So rest of the chapters he is describing from that location. आप जो कुछ भी आगे बाद में हम पढ़ेंगे वो उस location से सब कुछ बता रहे हैं. And in further chapters you will see the bowls of wrath, the trumpets blown by the angels, and the agony and the suffering on this earth.
और अगले बाब में आप देखेंगे जमीन पर तबाही होगी, मुसीबतें होगी, द रैथ और गजब के प्याले उंडेले जाएंगे, द सील्स और मोहरे जो हैं, या ऑल ऑफ देम दे आर फॉलोइंग आफ्टर दिस क्वार्टर, और इस उठाए जाने के बाद ये सारी चीजें आ रही हैं। नाउ दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज द रीजन प्री ट्राइबुलेशन, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मसाइब से पहले उठाया जाना, इट वाज अस्ट कम अप, उसे कहा गया ऊपर आओ, and immediately he said that I was up there and I started, he actually told him now see, Yesu usse keh rahe hain ki dekh, what did he saw, and behold a throne was set in heaven, now he started seeing everything, ab usne sab dekhna shuru kiya, in the next lecture I will show you what he saw, agle lecture mein hum dekhenge ki usne kya dekha, hello there is a pre-tribulation. You come from this side, you come from that side, you come from this side, you come from behind, you will reach on the same point, pre-tribulation. आप किसी भी तरफ से आ जाएं, बात वही है, थ्योरी वही है pre-tribulation की. You know, we the redeemed people, we are the superior people. हम जो बचाए गए लोग हैं, हम superior हैं, हम आला लोग हैं. There is another portion that will be saved after the rapture. Kalisiya ke uthaye jane ke baad ek aur logon ka hissa bhi hai jo bachaya jayega. Bible tells. Kalam hame ye batata hai. But they are not superior people. Lekin wo superior ya aala log nahi hai. In respect of the transformation that will take place when we will be caught up. यानी मुकाबलतन कलीसिया से जब उन्हें देखा जाए कि हम बदले हुए जिस्मों के साथ उठाए जाएंगे, There is a changing in us, हमारे अंदर एक तब्दीली है, for this rapture, इस उठाए जाने के वक्त में, Paul says this changing, और पॉलस भी इस तब्दीली के बारे में बयान करते हैं, 1 Corinthians chapter 15 verse 51, पहला क्रंथियों उसका 15वें बाब में, A certain change, एक खास किस्म का बदलाव, the transformation, transformation यानी खास बदलाव, will take place, ये रूनुमा होगा, and it is already taking place by every blown trumpet, even today it is taking place, आज भी ये बदलाव रूनुमा हो रहा है हर नरसिंगे के बजने पर, because of this changing process we will be able to listen the voice. इसी बदलाव के प्रोसेस से गुजरने से ही हम आवाज सुनने के काबिल होंगे। And because they are not listening the same trumpets, they are not getting changed. क्योंकि बाकी लोग इसी सिंगों की आवाज को नहीं सुन रहे, इसलिए वो तब्दील भी नहीं होंगे। And that's why they will miss the 100th trumpet voice. इसलिए वो 100वें नरसिंगे की आवाज को मिस कर देंगे। So we are the superior one. इसलिए इस लिहाज से हम आला लोग हैं। When we will be caught up. जब हम उठाए जाएंगे, बिफोर दे आर ट्रांसफॉर्मिंग आफ्टर 7 years, सॉरी वी आर कॉट अप बिफोर देम, हम बट दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर 7 years, हम बाकी लोगों से 7 साल पहले उठाए जाएंगे, फाइनली रीड दिस वर्स, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, इट्स अ मिस्ट्री, इट्स नॉट द स्टोरी, ओके, कि हम सब तो नहीं सोएंगे, मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंक, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई एंड द लास्ट ट्रम्प, आखिरी नरसिंगे के बजने पर और बिल्कुल ये आंख की झपकी की तरह होगा, सो देयर इज अ चेंज, एक बदलाव है, द ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज ओनली रिजर्व फॉर द पीपल, दोज हु विल बी रैप्चर्ड, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए रोनुमा होगा जो रैप्चर में उठाए जाएंगे, नॉट फॉर द पीपल दोज हु विल बी ऑन अर्थ एंड चेंज्ड सेव्ड, ओके, यस, ये उन लोगों के लिए नहीं होगा जो जमीन पर रह जाएंगे लेकिन बाद में बचाए जाएंगे, आर यू लिसनिंग, इन द सेकंड कमिंग दे विल बी द इलेक्ट पीपल, दूसरी आमद के वक्त ये अलेक्ट लोग होंगे, चुने हुए लोग होंगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल शेयर विद यू, अगले लेक्चर में हम ये सीखेंगे अबाउट द इलेक्ट्स, इलेक्ट्स के बारे में, चुने हुओं के बारे में, यू नो जीसस इन चैप्टर 24 ही सेड दैट एंजल्स विल गैदर द इलेक्ट वंस,
24 बाब में यीशु कहते हैं कि फरिश्ते जो हैं वो इलेक्ट को चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे. It is written in 24th chapter. 24वें बाब में ही ये लिखा है मत्ती. Yeah. Elect ones, angels will gather elect ones, not us. फरिश्ते जो हैं वो चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे हमें नहीं. The elect ones are the residual, those who will be changed or saved. During the 7 years, yani un 7 saalon mein jo log bachaye jayenge wo log honge ye. So there is a chance, ek mauka hai. If you miss the rapture, agar aap rapture ko miss karte hain to ek mauka aur hai. You should pay the price, lekin uski keemat ada karni hogi. Of death, maut ki keemat ada karni hogi. And then get saved, aur fir aap bachaye jayenge. Yeah, their heads will be beheaded, उनके सर उतार दिए जाएंगे. It's written there. कलाम में लिखा है. They will defy and deny every law and legislation of the Antichrist. वो मुखालफ मसीह के हर कानून को, उसकी हर बात को इनकार करेंगे. They will reject the food. वो खुराक को रिजेक्ट करेंगे. Reject the worshiping of the Antichrist. और मुखालफ मसीह की प्रस्तुति से वो लोग इनकार करेंगे. They will be ready not to take the mark of the beast. और वो हिवान के निशान को लेने से इनकार करेंगे. And then they will be killed. Beheaded. इसलिए उनका सर तन से जुदा कर दिया जाए. And this way they will be cleansed and saved. वो इस तरह से बचाए जाएंगे, साफ किए जाएंगे. Even though they have to believe in Jesus Christ. अगरचे वो यीशु पर ईमान रखते हैं. That's why they are defying Antichrist. इसीलिए तो वो मुखालफ मसीह का इनकार कर रहे हैं. So actually they are believing in Christ. तो दरअसल वो यीशु पर ईमान रखे हुए, rejecting Antichrist, मुखालफ मसीह का इनकार कर रहे हैं. So they will be elected people. इसलिए उन्हें elected लोग कहा गया है. Not everybody will be elected. हर कोई elected शख्स नहीं होगा. So in next lectures I'm going to teach you more on this topic. इस मौजू पर अगले लेक्चर में और सीखेंगे. For today, आज के लिए, I think so it's enough. मेरे ख्याल में काफी है.